अमृतसर रेल हादसे में पीड़ित परिवारों को लेकर विधानसभा के बाहर अकाली दल के विधायक पंजाब सरकार और नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन। वादा किया सी कि तुहानू सरकारी नौकरी दी जाएगी ते जिन्हां दे इंजर्ड ने उन्हां दा इलाज कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप सारे परिवार अडोप्ट कर लेने, उन्हां दा सारा खर्चा आप चुकांगे, उन्होंने राशन पानी सारा खर्चा कहते आप चुकांगे। जब तक इन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती उदों तक सारी जिम्मेवारी उन्होंने ही है। लेकिन उन्होंने सिर्फ 5-5 लाख रुपये दे के उस तो बाद किसी फैमिली का कोई हाल नहीं पूछा। इंजर्ड है लोग अपना इलाज आपे करवा रहे हैं, लख रुपये लोगों का खर्चा आ रहा है इलाज का, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों का रोटी तक नहीं सही तरह चल रही। मैं डिमांड करता कि सारे जिन्होंने सरकारी नौकरी का वादा किया सारी फैमिली सरकारी नौकरी दी जाए। सरकारी नौकरी का वादा पूरा न करने के कारण कर रहे पीड़ित परिवार प्रदर्शन। कैप्टन सरकार नु चाहिदा अखां खोले, कैप्टन सरकार साडे वल देखे, जो कि साडे लैणा दे बच्चे छोटे छोटे पूरे हो गए आ, कोई 30 साल का है, कोई 32 साल का बच्चा है, कोई 18 साल का है, कोई 19 साल का बच्चा है, साढ़े कोई है 2-2, 4-4 साल के बच्चे भी है। साढ़े नाल इंसाफ देवे, सानू इन्ने वादे किए सी भी तुहानू सरकारी जॉबां दांगा, तुहाडा देखभाल करांगा और बुढ़े बंदियां दीआं पेंशन लावांगा। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੈਂਪ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬਸ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟੀਵੀ ਕੇ ਲੀਏ ਨੀਰਜ ਅਰੋੜਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।